नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज समाचार इंडिया की टीम पहुंची है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पर गंगा की गोद में बसा ऋषिकेश। आइए बात करते हैं खूबसूरती की। अगर बात की जाए, कौन नहीं चाहता खूबसूरत होना, लेकिन कहते हैं कि तन के साथ साथ मन भी खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। ऋषिकेश के अंदर, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा फोकस करें कि यहाँ पर लव ब्यूटी जो है, यहाँ पर आज इनॉग्रेशन हुआ है। खासकर इस ब्यूटी पार्लर की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि हर एक इंसान, हर एक शख्स के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहता है और बनना चाहता है। मैं इस जो ब्यूटी है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो यहाँ के ऑनर हैं, जो अमेरिका से कोर्स करके आई हैं ब्यूटिशियन का, और कहीं ना कहीं खूबसूरती का वो अंदाज़ ब्राइडल वाली बात की जाए तो जब शादी का वक्त आता है तो बहुत ही चीज़ें हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं। और ख़ासकर कौन नहीं चाहता है खूबसूरत बनना। दुल्हन की अगर बात की जाए तो दुल्हन का वो वक्त ऐसा होता है कि जो लाइफ में फर्स्ट टाइम आता है और फर्स्ट एंड लास्ट ये वक्त होता है। इस वक्त के अंदर हर एक कोई सजना चाहता है, संवरना चाहता है अपनों के लिए, अपने खास के लिए। चलिए इस कार्यक्रम को और थोड़ा सा आगे बढ़ा, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर का विजुअल दिखाइए। तो हम बात कर रहे थे खूबसूरती की। कौन नहीं चाहता अपने जीवन के अंदर खूबसूरत होना। अच्छा, खूबसूरती दो किस्म की होती है, एक तन की खूबसूरती और एक मन की खूबसूरती। अगर मन की खूबसूरती के साथ साथ तन की खूबसूरती हो तो कहते हैं कि चार चांद लग जाते हैं। ब्राइडल की अगर बात की जाए तो जब शादी का वक्त होता है तो वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर हर कोई सजना संवरना चाहता है अपनों के लिए, अपने खास के लिए। आज हमारे साथ है कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे खूबसूरती के राज। मैम, थोड़ा सा तवज्जो देंगे आप। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो खूबसूरती, कौन नहीं चाहता खूबसूरत होना। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं खूबसूरती के अंदर, एक तन की खूबसूरती, एक मन की खूबसूरती और एक शरीर की। चलिए, परमात्मा ने जो शरीर दिया है कहीं ना कहीं उसका ख्याल रखना चाहिए, नाखून से लेकर बाल तक का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पहले तो मुझे ये बताइए कि इस प्रोफेशन के अंदर आप कैसे आई हैं। इस प्रोफेशन में मेरा इंटरेस्ट था मेरी मदर की वजह से, उन्होंने ये प्रोफेशन ऑप्ट किया था तो बस वहीं से इंटरेस्ट था और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते रहे लगा इसी फील्ड में काम करना है। अच्छा, जैसे ऋषिकेश की बात की जाए, ये पूरी हमारी जो ज़मीन है देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभ्यता भी अलग अलग तरह का कल्चर हमारा से, पहाड़ का ले लिए, प्लेन का ले लिए, अलग भिन्न भिन्न भाषाएं भी हैं। कहते हैं कदम कदम के ऊपर भाषा भी बदल जाती है गंगा की गोद में। अब जैसे यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल है और खूबसूरती की बात की जा रही है कि आपका, सुनने में आया कि आपने अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर जो जिसका हर एक का सपना होता है खास अमेरिका जाए, तो आपने वहाँ पर ये कोर्स किया है। कैसा अनुभव रहा वहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हर चीज़ वहाँ पे बहुत सलीके से, तरीके से सिखाई जाती है और उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करें, वो वहाँ पे बहुत करने को मिला। अच्छा। जो कि मुझे लगता है इंडिया के इंस्टीट्यूट में इतना नहीं मिलता या फिर वो सही टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती। मैं वहाँ की सिखाने के तरीके से बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक चीज़, मेरा छोटा सा एक सवाल और भी है, क्या इंडिया के अंदर भी ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे प्रचलन पर आ रही हैं? खासकर ब्यूटिशियन की बात की जाए, ये कोर्सेज जिनको दबाव माना जाता था, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ग्रेजुएशन करते हैं या कोई लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़का पढ़ता है, कहीं ना कहीं इंजीनियर, डॉक्टर बनने की चाहत रहती है दिल के अंदर, लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आज के टाइम पर एक हाथ का हुनर होना बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के तहत उसमें ब्यूटी का भी बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ। तो लोगों को कोर्स भी करना चाहिए उसे और उसे बढ़ाना चाहिए, और वही कोशिश हमारी है कि हम भी इसी योजना के तहत इसको चीज़ को आगे लेके जाएं और लोगों को सिखाएं और सही तरीके से सिखाएं। अच्छा, एक सवाल और भी है मेरा आपसे, चल चलते, जैसे कि म्यूज़िक की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, ब्यूटिशियंस की बात, दोनों ही के अंदर एक राइन होती है, छुपा हुआ होता है एक सार। और जब तक ये चीज़ें नहीं, मान लीजिए एक ब्यूटिशियंस है और उसका नेचर अगर वो फ्लेक्चुअल नहीं है या मिलनसार नहीं है, जिस ये भाषा में कहिएगा हिंदी में, अगर मिलनसार नहीं है तो जो आपके यहाँ पर कार्य कराने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि नहीं होगी कार्य आप कितना भी अच्छा करें। देखिए, जब क्लाइंट आता है उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उसको आपके ऊपर विश्वास हो और आप उसकी ज़रूरत को समझें। जब ये दोनों चीज़ें सही हैं तो जो चीज़ सामने आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हाँ, ये तो दोनों चीज़ें मतलब एक साथ मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैम को थोड़ा खड़ा दीजिए, मैं आपसे भी थोड़ा पूछना चाहूँगा। नहीं, खड़े होकर, खड़े होकर, हाँ, यस रे मैम, जैसे
आप देख रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, नाखून से लगा के और बालों तक की जो आपने जिस तरह से इनको तैयार किया है, मैं कहूँगा कि ब्यूटिशियन में जाने के लिए तैयारी की जा रही है बिल्कुल। हाँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप पहले तो दर्शकों को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। आई एम दिपजोत कौर, मिसेज इंडिया ग्लोब, मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन एंड मिसेज ग्लोब, पंजाब एंड इंटरनेशनल एम्बेसडर इन फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, यहाँ पर आप आए हैं, आपने इनॉग्रेशन किया है, छोटा सा केक काट के कहीं ना कहीं मिठास भरा आपने मैसेज दिया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको कैसा लगा आकर, क्या अनुभूति की? जैसे आपने बताया कि आप मिस इंडिया हैं और पूरा अपने भारत का एक नाम रोशन विदेशों में भी किया जाता है, कहते हैं महिला सशक्तिकरण, अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें प्रचलन पर आ रही हैं, यहाँ का अनुभव बताइए। यहाँ का अनुभव ऐसा रहा, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे ऋषिकेश हरिद्वार में, फ़र्स्ट टाइम मेरा रहा है, एंड पीपल आर सो वार्म वेलकमिंग, इंक्लूडिंग माई फ्रेंड अंजलि, शी कॉल्ड मी फॉर द इनॉग्रेशन एंड हर पेरेंट्स एंड एवरीवन हियर। अच्छा, उत्तराखंड में आप पहली बार आएंगे? यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जम्मू कश्मीर, बट आई हैव अ हाउस इन दिल्ली राइट नाउ, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। ओके, तो दिल्ली से यहाँ का जो सफ़र रहा, यहाँ आने के बाद आपको बहुत चीज़ें ऐसी महसूस दी होंगी जो कि दिल को महसूस हो रहा है। अच्छा, ये बताइए जो यंगस्टर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक जो मेकअप की फील्ड है और ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट की फील्ड है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आने वाला हमारा फ्यूचर है, एंड मोर ओवर इसमें यू एक्सप्लोर मोर एवर योर सेल्फ एंड पीपल अदर्स ऑल्सो। अच्छा, मॉडलिंग के लिए थोड़ा टिप दीजिए। मॉडलिंग के लिए क्या टिप दूँ मैं आपको, मॉडलिंग के लिए बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, हैव कॉन्फिडेंस एंड बी व्हाट यू आर, बी योरसेल्फ, दैट्स इट। वी आर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, या फिल्म इंडस्ट्रीज। यस, एक्चुअली नेक्स्ट ईयर आई विल बी मूविंग टू पंजाब इंडस्ट्री, सो लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर फ्यूचर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारी ला ब्यूटी की ब्रांड एम्बेसडर यही है मिसेस दिपजोत। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस तरह से आपने सजाया सवारा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत लोगों की नज़र अब टिक जाएगी चैनल के माध्यम से कि आपको लोग देखेंगे, और आपके जो साज और सज्जा भी जैसे कहते हैं, बहुत एक एक चीज़ें तिनका तिनका आपने सजो के रखा है। थैंक यू सो मच, आप दोबारा आइए, और आपके थ्रू हमें बहुत सारे क्लाइंट मिले और हम उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ जिन्हें हम सिखा सकें, ये हमारी कोशिश। जैसे मैम ने भी बोला है कि स्टूडेंट्स की बात की है, हम जब किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कहते हैं कि एक आदान प्रदान से चीज़ें बढ़ जाती हैं। यस, बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज़ द मंत्र ऑफ लाइफ। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, या वो किसी भी फील्ड में, मेकअप के फील्ड में, मॉडलिंग के फील्ड में, फैशन के फील्ड में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो दैट्स अ मंत्र ऑफ माय लाइफ एंड आई ऑलवेज टेल पीपल टू डू दैट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जिस मेहनत के साथ साथ आप जैसे जैसे प्रैक्टिकली चीज़ें करते जाएंगे तो आपको तजुर्बा होता जाएगा, और जैसे कहते हैं कि एक कदम रखते हैं दूसरा कदम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत बात कही है, और मैं चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आप किसी भी कार्य को अगर करते हैं, कोई कार्य छोटा नहीं होता, हर कार्य बड़ा होता है। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।